हेलो दोस्तों, शेज़ान किचन में आप सबका स्वागत है। आज एक नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जिसका नाम है ब्राउन राइस का। मैंने दोसा बनाने का सोचा है। ये देखिए, मैंने 1 किलो ब्राउन राइस लिया है, जो रात भर इसको भिगो के रखा है। इस तरह से इसका पानी सारा निकाल लिया है और इसमें बॉल में निकाल दिया है सारा चावल। अब ये माश की दाल है। ये माश की दाल हम 1 गिलास माश की दाल लेंगे। अगर 1 किलो ब्राउन राइस लिया है मैंने, तो 1 गिलास हम माश की दाल लेंगे, यानी 1 केजी माश की दाल का इस्तेमाल कीजिए आप। और ये चने की दाल है। चने की दाल मैंने 100 ग्राम लिया है। इसके पर चने की दाल इसीलिए डालें क्योंकि दोसा थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए, सोडा लिया है मैंने, थोड़ा सा सोडा डालिए। अगर आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, या नहीं तो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नमक है, स्वाद अनुसार नमक डालिए। ब्राउन राइस कितना फीका होता है, इसलिए नमक की थोड़ी तादाद ज़्यादा रखिए। और ये पानी जितना लगेगा उतना हम ग्राइंड करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। चलिए, हम अब ब्राउन राइस का पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें बॉल में थोड़ा सा पेस्ट मैंने निकाला है, जितना चाहिए अपने को थोड़ा थोड़ा करके बॉल में निकाल के अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको 3 किस्म का दोसा डालना बनाऊंगी ब्राउन राइस का। ये मसाला दोसा है, जो मैंने आलू का भरता बना के रखा है। ये बटर है, बटर दोसा भी डालना बताऊंगी मैं आपको। ये 2 एग्स है, एग्स का दोसा भी बताऊंगी मैं। किस तरह से बताते हैं मैं आपको आगे बता। ये चटनी है, मैंने चटनी बना के रखी है। चलिए, अब हम सबसे पहले हम दोसे का पैन गरम हो चुका है अपना पैन। अब हम इसमें, मैं सबसे पहले आपको प्लेन दोसा बनाना सिखाऊंगी। इसको इस तरह से डाल दीजिए, फिर स्प्रेड कर दीजिए। ये ब्राउन राइस का दोसा है। अपने को चावल खाने में थोड़ा फीका लगेगा और खा नहीं पाएंगे अपन, इसलिए जो है ना, ये ब्राउन राइस अपने को इस तरह से पीस के जो है ना बनाने में आसानी होगी और खा लेंगे आराम से। हम थोड़ा सा इस पे ऑयल डालते हैं। ये देखिए, मैंने अपना दोसा डाल दिया। अब इसको हम पलटा देंगे, इस तरह से आराम से ये पलट जाएगा। चलिए, ये देखिए दोस्तों, अपना दोसा तैयार हो गया। अब इसको प्लेट में इस तरह से सर्व कर देंगे। ये रहा प्लेन दोसा। अब दोसा बताइए, ये देखिए, मसाला दोसा डालने के लिए मैं पहले इसको इस तरह से दोसे के लिए स्प्रेड कर दूंगी अपना आटा। फ्लेम बढ़ा दीजिए, अब इसको अच्छे से पकने दीजिए। ये देखिए, इसको मैंने साइड से पूरा निकाल दिया है। अब हम इसको पलटा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, अच्छे से ब्राउन हो गया है ये। इसको हम इसको पलटा देंगे इस तरह से। हम इसका अपना आलू इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसको लगा के भी खा सकते हैं और इस तरह से भी हम मसाला बन जाएगा ये अच्छे से। चलिए, मैंने अपना आलू स्प्रेड कर दिया है। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। चलिए, ये अपना मसाला दोसा रेडी हो चुका है। अब हम इसको चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब आपको बटर और 1 दोसा बताऊंगी। इसको स्प्रेड कर दिया मैंने, इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ। अब हम इस पे बटर डालेंगे। बटर मेल्ट जब होता है तो इस तरह से हम फैला सकते हैं इसको। रब कर सकते हैं, इस तरह से हाथ से भी कर देंगे आप, रब तो और अच्छा रहेगा।
हिसाब से हम इस तरह से एग डाल देंगे। मैं दो एग का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हैवी हो जाएगा, अच्छे से आराम से आप खा सकते हैं। आप चाहे तो एक एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक भी इस तरह से डाल दीजिए, क्योंकि ये फीका रहेगा ना, तो नमक डालने से थोड़ा टेस्ट आएगा। थोड़ी मिर्ची भी डाल दीजिए। चलिए अब हम इसको दूसरी तरफ पलटा देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसी तरह कम फ्लेम पे रख देंगे, ताकि अपने जो अंडे हैं वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए दूसरी तरफ मैं पलटा रही हूँ इसको। ये देखिए कितना अच्छे से पक चुका है। ये हैवी नाश्ता है। अगर आप दो अंडे का एक साथ डोसा खा लोगे तो भूख भी नहीं लगेगी, दोपहर तक आराम से रह सकते हैं आप। चलिए अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। इसमें डाल दिया है मैंने, ये देखिए मैंने 3 किस्म के दोसे इसमें रख दिया है, ये आसानी से बन जाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ कच्चा के, ताकि लगा के खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन चुके हैं अपने दोसे, अलग अलग किस्म के मैंने बनाया है। बहुत ही आसान है, आप कैसे भी इस्तेमाल करिए इसको घर पर। मैं और भी अच्छे अच्छे डिशेज आपके सामने इसी तरह लाते रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।